हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक होंगे। गाइस, आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान सी और झटपट से बनने वाली रेसिपी शेयर करने वाली हूं। तो गाइस, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है शुरू करने से पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। और गाइस, आप लोग कमेंट भी ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके कमेंट फ्यूल का काम करते हैं और उससे एक एनर्जी मिलती है और इनकरेजमेंट मिलती है ताकि और ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो बनाई जा सके। तो आप लोग ज़रूर कमेंट किया करें, और थैंक यू सो मच जो लोग कमेंट करते हैं और जो लोग वीडियोस को देखते हैं, थैंक यू सो मच गाइस। और हमारे साथ एक देखे एक छोटा शेफ भी है आज किचन में, ये देखे मम्मी की हेल्प करने के लिए एप्रन लगा के पूरी तैयारी के साथ आया है, तो ये आज बनाएगा। आज हम बनाने वाले हैं जी दाल, दो दालें मिक्स करके। तो चले बढ़ते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर हमारे पास एक पाव दाल है, ये दो दालें मिक्स की हुई हैं मैंने, और 10-15 मिनट पहले मैंने इनको भिगो दिया था, अब साफ़ कर दिया, अच्छी से धो दिया है दालों को। ये दाल आप देख सकते हैं ये कौन कौन सी दाल है। एक तो मसर है, दले हुए जो मसर होते हैं वो वाली दाल है, जो लाल लाल सी छोटी छोटी सी होती है। और एक दाल है मूंग की दाल, मूंग की दाल जो है वो भी छिलके के बगैर वाली जो होती है वो है, जो हरी मूंग होती है ना, हरी मूंगी जिसको कहते हैं, वो वाली दाल है एक छिलके के बगैर, और दूसरी लाल वाली छोटी छोटी दाल है। इन दोनों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, और जब मुझे कुछ नहीं समझ आती तो मैं इन दोनों दालों को मिक्स करके पकाती हूँ, तो ये बहुत अच्छे से ये पक जाती है और बहुत जल्दी पकती हैं। और इनको अब हम बड़े आसान से तरीके से पकाएंगे। ये हम देगची में डाल देते हैं अपने में ये वाली दाल, और पानी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना, और इसको एक दफ़ा बॉयल आने पे बाद में हमने फ्लेम को लो टू मीडियम कर देना है। तो ये दाल गई हमारी, और ये हमारे पास है रेड चिल्ली, ये आप देख सकते हैं, और एक टीस्पून ये है, और हाफ़ टी स्पून हल्दी है, नमक है इसमें 1 टीस्पून, और हाफ टी स्पून ही काली मिर्च है। ये चार चीज़ें इसमें गई, सारा कुछ इसमें इकट्ठा हम डाल देते हैं अभी। ज़्यादा बहुत इजी है, ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं इसमें हमें, टशनबाजियाँ जल्दी से ये हो जाएगी। और ये दालचीनी के टुकड़े देखें, 2-3 हैं छोटे छोटे, ये जाएंगे इसमें। जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 चम्मच, और कुछ 3-4 कटी हुई हरी मिर्चें हैं। इसके बाद ये 2 बड़े टमाटर का पेस्ट है, ये जाएगा। टमाटर आप छोटा छोटा सा काट के भी डाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, एक टमाटर भी डाल सकते हैं, क्योंकि आजकल टमाटर जो हैं वो सस्ते हैं, तो मैंने 2 बड़े बड़े साइज़ के डाल दिए थे। टमाटर जो हैं वो ज़्यादा ही मैं डालती हूँ मोस्टली, लेकिन ये होता है कि जब कभी बहुत महंगे होते हैं ना, फिर थोड़ा डालते हैं, फिर जेब जब इजाज़त नहीं देती तो फिर थोड़ा डालते हैं, अदरवाइज़ टमाटर जो हैं वो तो मैं ज़्यादा ही डालती हूँ। तो ये सब कुछ चला गया, और पानी इसमें बहुत ज़्यादा हमने नहीं डालना ताकि दाल का पता ही ना चले, बस इतना सा पानी डालना है हमने। और अभी हम इसको चूल्हे पर चढ़ा देंगे। ये देखिए, मैंने चूल्हे को हाई कर दिया फ्लेम को, और एक बॉयल आने पे मैं इसको कम कर दूंगी। पानी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं मैंने डाला, क्योंकि पानी डालते सुखाते सुखाते जो है वो दाल का फिर पता ही नहीं चलता कि क्या बन जाती है। दाल को थोड़ा थोड़ा सा जो इसकी शक्ल है वो नज़र आनी चाहिए, और ये विदाउट प्रेशर बहुत जल्दी से पक जाती है और बहुत ही मज़े की बनती है। अच्छा जी, अब हम अपनी दाल को चेक करते हैं। ये देखें, ये कुछ इस तरह की हुई है, इतनी सी गाढ़ी, तो बिल्कुल हमें इस तरह की ही चाहिए थी दाल, थोड़ी थोड़ी सी नज़र आ रही है, बिल्कुल कड़ी के जैसी भी नहीं बनी। ये देखें, अब इस पॉइंट पे हम इसमें ये थोड़ा सा 1/2 टीस्पून गरम मसाला है ये इसमें डाल देते हैं। बहुत अच्छी मज़े की खुशबू आ रही है दाल की। अब हम अपनी दाल को तड़का लगाएंगे। यहाँ पर मैंने एक बहुत ही छोटा सा
स्मॉल साइज़ का प्याज लिया और उसको कटिंग किया और इसमें 3-4 स्पून जो है ऑयल के डाले हैं। तो इसका तड़का लगाऊंगी, आप चाहे तो आप लहसुन का तड़का भी लगा सकते हैं, मैं प्याज का लगा रही हूँ। हल्का सा गोल्डन होने पे मैं इसमें कड़ी पत्ता ऐड कर दूंगी। ये देखें कड़ी पत्ता कितना खूबसूरत लग रहा है। कड़ी पत्ता ना हो तो भी चलेगा, ये क्योंकि घर पे लगा हुआ था तो इसलिए मैं ये तोड़ के लेके आई हूँ। अब इन इसके पत्तों को अलग अलग करके तो डाल लूँगी मैं इसमें एक एक करके। ये देखिए प्याज हमारा हल्का सा गोल्डन हो गया, अब इसमें मैं कड़ी पत्ता डाल देती हूँ। दाल में अब आप देखेंगे हमारी दाल लग कैसी रही है। ये देखें ये इस तरह की है, मैं इसको प्लेट में निकालती हूँ। मैंने इसके साथ बॉयल राइस बनाए हैं, वाइट राइस बॉयल की है। आप चाहें तो इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ये थोड़ी सी थिन है इसलिए कि मैंने इसको बनाया है चावल के साथ। ये देखें गाइस दाल हमारी किस तरह से है, थोड़ी थोड़ी सी दाल नज़र भी आ रही है और बहुत ही खूबसूरत और मज़े की बन के तैयार हो गई है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छी और जल्दी से बन जाने वाली दाल है। तो गाइस कैसी लगी आपको आज की दाल की रेसिपी, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। बाय बाय।